जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर क्रीड़ा परिषद की तरफ से कार्रवाई की गई है, जहां पर एसएमएस स्टेडियम में बनी हुई एकेडमी को हटाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दशरथ। दशरथ, क्रीड़ा परिषद की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई गई है, जहां पर एसएमएस स्टेडियम में जो एकेडमी बनाई गई है उसको हटाया जा रहा है, क्या कुछ है पूरा मामला और क्या कुछ अभी का अपडेट? देखिए, निश्चित तौर पे अगर बात करें क्रीड़ा परिषद की तरफ से, तो एसएमएस स्टेडियम के अंदर ये पीएस एकेडमी है, पूर्व रणजी कप्तान राजस्थान के रहे हैं, उनकी तरफ से ये एकेडमी चलाई जा रही थी। पंकज सिंह के नाम से ये एकेडमी चल रही थी और खास तौर पे इस एकेडमी जब शुरू हुई थी तब भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रहे गौतम गंभीर ने यहाँ पर बाकायदा इस एकेडमी का कह सकते हैं उद्घाटन किया था, और उसके बाद पीएस एकेडमी के नाम से जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। लेकिन बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए के आसपास की राशि के आधार पर लीज दी गई थी, लेकिन अब लीज जो है वो समाप्त कर दी गई है, और लीज समाप्ति की घोषणा के साथ ही ये जो एकेडमी के अंदर कह सकते हैं जो इनका दफ्तर था वहां पर हटाने की कार्रवाई की गई है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि पंकज सिंह एकेडमी जो चला रहे थे उनके जो कर्मचारी हैं उनको उनकी तरफ से कहा गया कि वो अपना सामान यहां से हटा लें, क्योंकि जब क्रीड़ा परिषद की तरफ से अगर तालाबंदी की जाती है तो रिकॉर्ड्स वगैरह तमाम चीजें वो अंदर रह जाती है और उसके बाद वो विवाद की जगह बन सकता है या कारण बन सकता है। इसी के मद्देनजर तमाम जो ऑफिस है ये पंकज सिंह का जिनकी एकेडमी यहाँ पर चल रही थी इसको खाली किया जा रहा है, और खाली करने के बाद और सरकार की भी मंशा यही है कि सरकार जो है इस एकेडमी का जो अगला जो कार्यकाल है वो नहीं बढ़ाना चाहती। खुद सेक्रेटरी की तरफ से ये कहा गया है कि पुराना जो पैसा है बकाया है वो भी नहीं मिला है खेल परिषद को और खासतौर पर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, और इसी मद्देनजर यहाँ पर जो ये ऑफिस थे पंकज सिंह एकेडमी को इनको हटाने की कार्यवाही, यहाँ से सामान निकाला जा रहा है। और सामान निकालने के साथ ही इनको आशंका ये भी थी कि क्रीड़ा परिषद की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है और खास तौर पे उसके बाद में तमाम जो ये चीजें यहाँ पर लगी हुई हैं उनको हटाया जा सकता है। इसी से बचने के लिए कुछ सामान यहाँ से निकाल लिया गया है, और क्रीड़ा परिषद का यह कहना है कि पुराना पैसा उनका बकाया था और बकाया के चलते ही उनको कह सकते हैं कार्रवाई के लिए कहा गया। तो टीमें यहाँ पर जरूर आई थी लेकिन कुछ शर्ट्स उनके हटाए थे, लेकिन इसके बाद जो कर्मचारी यहाँ पर थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो यहाँ पर बातचीत करके उनको हटाने के काम, मेरे साथ कुछ कर्मचारी हैं जो पीएस एकेडमी से जुड़े हुए थे उनसे बातचीत करने की मैं कोशिश करूंगा। भैया एक सेकेंड, ये बातचीत करने के बातचीत नहीं करना चाहते, लेकिन ये कार्रवाई जो है वो क्रीड़ा परिषद की तरफ से कही गई, और क्रीड़ा परिषद की जो टीमें आई उससे पहले ही इन्होंने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। ये एकेडमी की तस्वीरें जहां पर ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती थी। कहा यह भी गया खेल परिषद की तरफ से और कह सकते हैं मंत्री की तरफ से कि ज्यादा पैसा यहां पर बच्चों से लिया जा रहा था, 2.5 से 3 हजार रुपए पर मंथ बच्चों से वसूला जा रहा था, जबकि उसका जो मुनाफा था बहुत छोटी रकम क्रीड़ा परिषद को दी जा रही थी, उसमें भी काफी पैसा बकाया था। तो ऐसे में इस अकेडमी का जो एमओयू था उसको खत्म कर दिया गया है, और अब जो है वो वापस ये अकेडमी क्रीड़ा परिषद के हाथों में जा रही है, यानी कि अब क्रीड़ा परिषद इसका अगला चीज क्या होगी, यहाँ पर क्या एकेडमी विकसित होगी नहीं होगी या स्टेडियम का ये पार्ट रहेगा, ये तमाम क्रीड़ा जो चीजें हैं वो क्रीड़ा परिषद के हाथों में रहेगी, वो ही पूरा जिम्मा संभालेंगी। बहरहाल लंबे वक्त से पंकज सिंह ये एकेडमी चला रहे थे, राजस्थान रणजी टीम के पूर्व कैप्टन रहे हैं, भारतीय टीम में भी खेले हैं, लेकिन अब उनकी जो एकेडमी है उसकी कह सकते हैं एमओयू उसको समाप्त कर दिया गया है और उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जी दशरथ, अब क्रीड़ा परिषद ही इस पर कोई फैसला लेगी। तमाम जानकारी के लिए